और पिछले 1.5-2 घंटे की इंतजार कर रहा हूँ और रोडवेज का ये इतना बुरा हाल है कि बस पूछिए मत। पूछने पे बता रहे कि आधे घंटे में बस आएगी, आधे घंटे में इनको खुद कोई लोकूट नहीं है, लोकेशन इनकी खुद कोई नहीं है, कहीं की बाहर से बस निकल जा रही। तो डिपो यहाँ क्यों बनाए, क्यों बनाया इन्होंने डिपो? अगर बाहर से बस निकालना चाहिए यहाँ क्यों, फिर क्या कर रहे हैं? बाहरी रोडवेज भी बना लेते, सवारी नहीं मिल रही है यात्री। सुबह से नहीं, 8-9 बजे के बाद पूरा सन्नाटा है। खाली जाएगी गाड़ी? अरे चलाना तो ही है, इसमें तो रोडवेज का घाटा होगा, जरूर घाटा तो होगा ही होगा। नहीं, पैसेंजर तो हैं, पैसेंजर तो आ भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ मार्केट में भीड़ इतनी है कि प्रशासन द्वारा रोक दिया जा रहा है जी, जिसकी वजह से बसें नहीं आ पा रही हैं बस अड्डे पर। 12 बजे के बाद से बंद हो जा रही है ना भाई, जब गाड़ी बाहर से आएगी तभी तो जाएगी। छठ का पर्व, इसमें बंद कर देना गाड़ी, या जो भी सरदारों में इतना परेशानी हो रही है कि कहीं जाना है। अब उसके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते ना, वो तो प्रशासन भाई जाने, प्रशासन बंद कर दे रहा है जी, इससे तो रोडवेज का घाटा होगा। रोडवेज का घाटा तो ही रहा है, 1.5-1.5 लाख रुपए का घाटा हो रहा है पर डे।